Hello everyone, welcome to all in this video. In last video, we started 7th number chapter. Chapter name is fractions. In fractions chapter, we understood that many concepts. First is halves. After that, thirds, fourths, and more than four equal parts. हमने किस तरह से fractions में thirds पार्ट सीखे हैं, फोर पार्ट्स या मोर देन फोर इक्वल पार्ट्स एक कंसेप्ट सीखे हैं। तो उसके आगे हम आज सीखने वाले हैं मोर देन वन आउट ऑफ मेनी इक्वल पार्ट्स। तो चलो इसमें हमें क्या सीखना है, अगर कोई एक चीज़ हो या थिंग्स हो उसे उसमें हमें सारे हम इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, लेकिन उसे किस तरह से पढ़ना है, उसे किस तरह से लिखना है, अब हम इसमें सीखने वाले हैं। आप इसमें देख सकते हैं, देखो पेज नंबर 114 में है, मोर देन वन आउट ऑफ मेनी इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो चलो देखते हैं। इन अ बर्थडे पार्टी आस्थास मदर कट अ केक इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स एंड वॉन्टेड टू गिव वन पीस टू आस्था, बट शी इंस्टेड ऑन टेकिंग टू पीसेस सो आस्था got two out of three equal parts, you can express it as two thirds or two divided by three. Means क्या कहा गया है, एक पार्टी में आस्था के मदर ने मीन्स मम्मी ने एक केक बनाया था और उसके आस्था के मम्मी ने इक्वल थ्री पीसेस कट किए थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं और उसमें से एक जो पीस था वो आस्था को दिया था, लेकिन जो रिमेनिंग कितने रह गए थे, बट शी इंस्टेड ऑन टेकिंग टू पीसेस, रिमेनिंग टू रह गए, इक्वल थे क्योंकि एक ही केक के इक्वल थ्री पीसेस बनाए थे और जो रहे वाले टू इक्वल पीसेस थे वो भी क्या क्या आस्था ने, आस्था गॉट टू आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट्स और वो भी उसे चाहिए थे। तो यहाँ पे हम किस तरह से इसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, यू कैन एक्सप्रेस इट एज टू थर्ड्स, क्या टू थर्ड्स मीन्स हम उसे टू डिवाइडेड बाय थ्री, मीन्स जो हमने एक केक के थ्री इक्वल पार्ट्स किए और जो रिमेनिंग टू थे वो भी उसे चाहिए, तो थ्री में से टू उसे चाहिए थे, ऐसा हम उसे कह सकते हैं। तो इसे टू थर्ड्स हम कह सकते हैं और लिखते समय टू डिवाइडेड बाय थ्री भी लिख सकते हैं। इसी तरह से दिया है, देखो, बंटी हैड अ सैंडविच विच ही डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पीसेस एज शोन अलोंग साइड। देखो यहाँ पे देखो सैंडविच दिया है, उसके बंटी ने जो फोर इक्वल्स पार्ट्स मीन्स पीसेस किए हैं उसके, एंड ही एट थ्री पीसेस आउट ऑफ द फोर पीसेस, वी से ही एट थ्री फोर्थ्स, और उसमें से उसने थ्री जो इक्वल पार्ट्स है वो खा लिए और रिमेनिंग वन रह गया, तो उसे हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, He ate three fourths, means three divided by four of the sandwich. Next आएगा, यहाँ पे कुछ examples दिए हैं, the following picture show other fractions. This will help you to understand clearly the meaning of given fractions. यहाँ पे कुछ shapes दिए हैं और उसमें जो color means जो फ्रैक्शंस है उसमें कलर किए गए हैं और उस किस तरह से हमें रीड करना है। देखो यहाँ पे फर्स्टली सर्कल है, वहाँ पे टोटल सर्कल के फाइव इक्वल पार्ट्स किए गए हैं और थ्री उसमें से थ्री जो पार्ट्स है वो कलर किए गए हैं, तो उसे हम थ्री फिफ्थ्स कह सकते हैं और उसे ये भी बुला सक मीन्स पढ़ सकते हैं थ्री डिवाइडेड बाय फाइव। नेक्स्ट है टू फिफ्थ्स, फिफ्थ में से टू कलर किए गए हैं तो टू डिवाइडेड बाय फाइव। नेक्स्ट है एट सर्कल है और उसमें एट पार्ट्स किए गए हैं तो फाइव और कलर किए गए हैं तो फाइव एट्स, उसे हम फाइव डिवाइडेड बाय एट। और लास्ट है सेवन्थ ट्वेल्थ मीन्स ट्वेल्थ जो रेक्टेंगल है उसमें से सेवन कलर किए गए तो सेवन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व, इस तरह से हम उसे रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने मोर देन वन आउट ऑफ मेनी इक्वल पार्ट्स सीखा है, वो बहुत इजी है। उसके नीचे जो क्विक असाइनमेंट है और सेल्फ प्रैक्टिस 7A है वो भी आपको सॉल्व करना है HW में। नेक्स्ट आगे की कंसेप्ट हमारी आएगी फ्रैक्शन ऑफ अ ग्रुप और अ कलेक्शन, मीन्स ग्रुप में हमें फ्रैक्शन करना है और कलेक्शन होगा तो मीन्स किस तरह से उसे का ग्रुप है उसमें से किस तरह से हमें फ्रैक्शन सीखना है और उसे किस तरह से पढ़ना है। देखो
Fractions can also be used to name part of group or a collection. यहाँ पे देखो पिक्चर दिया गया है, बलून्स दिए गए हैं और किस तरह से वहाँ पे ग्रुप का हमने फ्रैक्शन किया है. देखो, टू आउट ऑफ थ्री बलून्स आर ग्रीन, मीन्स थ्री बलून्स है उसमें से टू जो बलून्स है वो ग्रीन कलर के है. टू थर्ड ऑफ द बलून मीन्स थ्री का कलेक्शन है, थ्री का ग्रुप है, उसमें से टू क्या है, ग्रीन है. टू थर्ड ऑफ द बलून्स आर ग्रीन मीन्स थर्ड में से टू जो बलून्स है वो ग्रीन कलर के है. द फ्रैक्शन फॉर ग्रीन बलून्स इज टू डिवाइडेड बाय थ्री. टू पार्ट्स ऑफ ग्रुप विच आर टेकन, थ्री होल ग्रुप, थ्री जो नंबर है वो होल ग्रुप का है और टू जो हमने लिया है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ग्रुप विच आर टेकन वो लिया है, मीन्स टू डिवाइडेड बाय थ्री. इसी तरह से नेक्स्ट एप्पल का एग्जाम्पल लिया है, वन आउट ऑफ फाइव एप्पल्स आर रेड, वन फिफ्थ ऑफ द एप्पल्स आर रेड, फाइव एप्पल्स है उसमें से वन जो है वो रेड है, बाकी के ग्रीन है, जो वन फिफ्थ द एप्पल्स आर रेड. तो रेड कलर के लिए मीन्स वन एप्पल के लिए हम किस तरह से उसे पढ़ सकते हैं, वन फिफ्थ ऑफ द एप्पल्स आर रेड. द फ्रैक्शंस ऑफ रेड एप्पल्स इज वन डिवाइडेड बाय फाइव. इस तरह से हम आगे का देखते हैं. थ्री आउट ऑफ फोर एनिमल्स आर रैबिट, यहाँ पे एनिमल्स है और उसमें से थ्री जो है वो कौन से है, रैबिट्स है और वन डॉग है. तो थ्री आउट ऑफ फोर एनिमल्स आर रैबिट, थ्री फोर्थ ऑफ द एनिमल्स आर रैबिट. द फ्रैक्शंस ऑफ रैबिट इज थ्री डिवाइडेड बाय फोर. फोर एनिमल्स है लेकिन उसमें से थ्री रैबिट है, वन डॉग है, तो हमें रैबिट के लिए हमने फ्रैक्शन किया है तो द फ्रैक्शन ऑफ रैबिट्स इज थ्री डिवाइडेड बाय फोर. तो इस तरह से हमने फ्रैक्शन ऑफ अ ग्रुप और अ कलेक्शन ये भी कंसेप्ट सीखा है. उसके नीचे जो है क्विक असाइनमेंट वो भी आपको HW में कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं. तब तक के लिए आपको जो HW में कंप्लीट करने के लिए दिया है वो कंप्लीट करना है. थैंक यू.